अस्सलाम वालेकुम, फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। जैकबाबाद में राइस मिल की दीवार गिरने से एक मजदूर जान बहक साथ जख्मी हो गए। जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने एसएचओ के रैंक सितारे उतरवाकर हिरासत में ले लिया। एसएचओ जाहिद मेरानी को अदालत ने हथकड़ियां भी लगवाई। एसएचओ ने एक साल कब चोरी शुदा ट्रैक्टर की वापसी के लिए तावान की 2.5 लाख रकम ली थी। सेकंड एडिशनल सेशन जज की अदालत में शहरी राहब घोटो की दायर पटिशन की समाप्त हुई। महेड म्यूनिसिपल कमेटी में आने वाली करोड़ों रूपये की बजट गायब। पूरा शहर खंडरात बन गया। हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। सफाई अमला वडेरों और सियासतदानों की खिदमत और बैठकों की सफाई करने में मसरूफ। डेरा मुराद जमाली सदर पुलिस थाना नसीराबाद की मनुष्यात और गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर करोड़ों रुपए मालियत रुपए की छालिया सिगरेट सफेद अजवाइन मोती और दीगर गैर मुल्की सामान बरामद करके दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले इंतजामिया के अफसरान मुतहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए AC रायवण ने टाइगर फोर्स की निशानदही पर अपनी टीम के हमरा अलखान बाबा रेस्टोरेंट मांगा मंडी पर रात गए चापा। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर अल मशहूर अलखान बाबा रेस्टोरेंट को AC रायवण ने सील कर दिया। हंगू पुलिस में मेरिट पर तबादलों का अमल जारी रहेगा। पुलिस एहलकार अपने फराइज ईमानदारी जानफिशानी और पेशा वराना महारत से अंजाम दें। अर्दली रूम में जिन जिन पुलिस एहलकारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, इन पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा। जो पुलिस एहलकार ट्रैफिक पुलिस में जाना चाहते हैं उनके बारे में जल्द मैकेनिज्म वजह करेंगे और मेरिट पर उनको तायुनात किया जाएगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। यहाँ है वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं।